जी। और हम लगातार श्री भगवान श्री राम के आदर्श, उनकी मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। श्री राम मर्यादित जीवन जीते थे, लेकिन आजकल का जो युवा है वो ना जाने कैस किस लय में किस तरीके से जीवन जी रहा है, और यही कारण है कि कम उम्र में ही बहुत सी बीमारियों का बोझ लिए घूम रहा है। तो एक एक करके अब इन रोगों से युवाओं को कैसे मुक्ति दिलाएं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है पाचन, क्योंकि एक ताजा स्टडी के मुताबिक गलत खान पान, खराब दिनचर्या से युवाओं की जो आते हैं उनमें सूजन आ रही है, जिससे डायरिया, पेट दर्द, मोटापा के अलावा तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में स्वामी जी, आंतों में आने वाली सूजन को कैसे घटाया जाए ताकि बीमारियों का घर शरीर ना बने? आंतों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, देखो आंतें छोटी और बड़ी आंत आप जूम करके देखेंगे, फोकस करके, तो देखो छोटी बड़ी आंत पूरी 32 फीट की आंतें चल रही हैं ऐसे, इस स्थित कोणासन में ऐसे ऐसे। अब देखो देखने में तो हल्का सा, लेकिन ये आंतों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, ये स्थित कोणासन ऐसे एक। फिर ये ओबेसिटी के लिए भी कराते, बच्चे ओबेसिटी ओबेस भी हो गए हैं, और फिर ये दूसरा ऐसे। तो ये अभी हम 5-7 आसन पाचन के लिए बता रहे हैं। सुबह उठ करके अनार खाएं, सेब खाएं, पपीता खाएं, और ये अमरूद इतना मीठा और इतना अच्छा है, सुबह सुबह अमरूद खा लो। अब जो खेतों में काम करते हैं भाई, उनको ना सेब मिल रहा है, ना अनार मिल रहा है, ना पपीता मिल रहा है, अरे मूली तो है ना, मूली और ये पालक, हमारे यहाँ तो देखो खेत में ही हम, यहाँ पूरा ही पालक का ही खेत है, पूरा पालक है। पालक खाएं, मेथी खाएं, बथुआ खाएं, और मूली बेस्ट है पेट के लिए। सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, काला नमक डाल करके, या थोड़ा हिंगवास्टक लवण भास्करादि डाल करके, ये पालक, मेथी, बथुआ और गाजर और मूली, ये सुबह सुबह खा लें, पेट के लिए बेस्ट है। सुबह सुबह गन्ने का जूस पी लें, गन्ना चबा करके खा लें ना, दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और ये अभ्यास भी बड़ा अच्छा है। ये तो सर्वांगासन हलासन भी पेट के लिए अच्छे हैं, ऐसे सर्वांगासन करते हैं और ऐसे ये हलासन करते हैं, और फिर ये पवन मुक्तासन भी बड़ा अच्छा है पेट के लिए, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, एक तो ये एक एक दो दो मिनट। औषधि के तौर पर तो हम सर्वकल्प खा देते हैं, जिनको बहुत कब्ज रहता है उनको कायकल्प देते हैं, खाने के बाद अव्यारिष्ट रात को शुद्धि चूर्ण या त्रिफला चूर्ण खिला देते हैं, और चबा चबा करके खाने के लिए बोलते हैं, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं डाइट में, और ये जंक फूड फास्ट फूड तो बंद करना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, रेडीमेड में लिवोग्रिट और लिवामृत, फैटी लीवर, लिवर सिरिसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर तक अच्छा कर देते हैं हम, बाकी तो बात ही छोड़ो। तो पेट की 4-5 बड़ी समस्याएं, एक तो गैस बनते हैं तो गैसर देते हैं, छाछ में हिंगवष्टक लवण भास्कर, सुबह सुबह दही और गुड़ और बाजरे की बासी रोटी खाओ, पाचन एकदम जबरदस्त हो जाता है। जिनकी नाभि धरण पीछूटी खिसक जाती है, नाभि और कोड़ी डिग जाती है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बेस्ट है। और ये पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन भी, ये भी बड़ा अद्भुत है, एक दो मिनट ऐसे कर लेते हैं। अब हमने तो योग से अपने शरीर को गर्म कर लिया, नहीं तो सुबह सुबह लोग अकड़े ही पड़े हुए अभी भी ऐसे, ये और ये सेतुबंध कितना अच्छा है, और नाभि में तेल लगा दो, होठ भी नहीं फटेंगे, एड़ियां भी नहीं फटेंगे। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, देखो अब पहले भी हमने कई बार बताया था, अब आप हमारी एड़ियाँ देखिए, अब इन एड़ियों अब में कुछ भी नहीं लगाते हम, कोई क्रीम कारक आदि कुछ भी नहीं लगाते है? तो ये किससे, नाभि में हम सप्ताह में एक दो बार ही लगा पाते हैं तेल, बाकी याद नहीं रहता। तो नाभि में तेल लगा ले, एड़िया नहीं फटेंगी, होठ नहीं फटेंगे, चमड़ी नहीं फटेगी। और एक बार साउथ में जैसे लोग नारियल का तेल लगाते हैं, उत्तर भारत में सर्दी अच्छी होती है, तिल का तेल लगाते हैं, तिल का तेल या नारियल का तेल लगा ले
और फिर निवाए पानी से नहा लें और तिल का तेल खाने में इस्तेमाल करें। मंडोकासन, खाली पेट लिमोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, ये जनरल पेट की सभी बीमारियों के लिए, पाचन के लिए गैस सर बताया। कोलाइटिस के लिए खाली पेट कोलिग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी। और कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, उदरकल्प चूर्ण, कोई भी एक का प्रयोग कर लें और खाना चबा चबा करके खाएं। आहा, कई दिनों के बाद इतना बढ़िया सूरज मिला, आनंद ही आनंद हो रखा है। सूरज की धूप में बैठा करें, सूरज की धूप में बैठने से डाइजेशन अच्छा रहता है, सूरज की धूप में बैठने से स्किन अच्छी रहती है, सूरज की धूप में बैठने से विटामिन डी B12 पूरा मिलता है। विटामिन डी B12 पूरा होगा तो फिर ये जो कैल्शियम की, प्रोटीन की, आयरन आदि की कमी है ना, वो भी नहीं रहेगी। सुबह सुबह धूप में बैठा करें और बैठ करके मंडूकासन ऐसे नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा के और हथेली पर हथेली रख करके, दो तरह से होता है ऐसे। स्वामी जी ऐसा बड़ों से सुना कि अगर ये पाचन ना छोटों से लेकर के बड़ों तक, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक की समस्या है।